में क्यों है चंबल की एक अलग पहचान? क्या मध्य प्रदेश में कभी बहुजनों की सरकार बनी? आखिर क्यों नहीं डरते हैं चंबल के लोग? चंबल में देखिए हाथी का दम। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजन मोर और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आखिर क्यों है चंबल की एक अलग पहचान? चंबल के लोग क्यों नहीं डरते हैं? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और इस मुद्दे के साथ साथ एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे, वो है मध्य प्रदेश में बहुजनों का दम और बहुजन पार्टियों का दम। जी हाँ दोस्तों, आज हम बिल्कुल 1989 से लेकर आज 2019 तक चुनाव का विश्लेषण करेंगे मुरैना लोकसभा सीट का। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखें, क्या है पूरा मामला आइए जानते हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की मुरैना लोकसभा सीट की और 1989 से लेकर 2019 तक हम चुनाव की पूरी गतिविधियों को करीब से जानेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे। आखिर क्या है, कितना वोट शेयर है, विभिन्न पार्टियों को कितना प्रतिशत वोट मिला गया, और ये हम आंकड़ा लेंगे सन 1989 से। 1989 से हम क्यों ले रहे हैं, इसका भी एक कारण है, क्योंकि 1989 में मुरैना लोकसभा सीट से बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी और उस पार्टी के प्रत्याशी थे स्वर्गीय डॉक्टर पीपी चौधरी जी। और इस विश्लेषण के साथ साथ जानेंगे मुरैना चंबल के उन तमाम नेताओं को जो बहुजन आंदोलन से शुरू से जुड़े हुए हैं, और कितना प्रतिशत वोट मिलता था, कितना मतलब कैसी स्थिति है बसपा की चंबल में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम 1989 के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। 1989 में सबसे पहले बात करेंगे अपन बीजेपी की। बीजेपी के छविराम अरगल को 1989 में वोट मिलते हैं टोटल 209,381 और वोट परसेंट रहता है 50.38। यहाँ पर बीजेपी विनर रहती है, यानी कि बीजेपी के छविराम अरगल जी बीजेपी से चुनाव जीते हैं। वहीं पर सेकंड नंबर की बात करें तो कांग्रेस के कमोदीलाल जाटव 121,520 वोट आते हैं, उन्हें 121,520 वोट मिलते हैं और जो कांग्रेस का वोट शेयर है वो 29.24% है। वहीं पर बात करते हैं बसपा की। बसपा को 1989 में टोटल 66,550 वोट मिलते हैं और जो वोटों के लिहाज से देखा जाए तो 16.01% वोट बसपा को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये बसपा के हिसाब से 1989 का चुनाव पहला चुनाव है जहां पर बसपा ने मध्य प्रदेश की मुरैना लोकसभा सीट से एंट्री मारी। तो पहला चुनाव मध्य प्रदेश में मुरैना लोकसभा से लड़ा, उसमें करीब 67,000 के वोट बसपा प्रत्याशी स्वर्गीय डॉक्टर पीपी चौधरी जी को मिले। तो दोस्तों, इसके 2 वर्ष बाद फिर चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव आम चुनाव होते हैं। तो 1991 के लोकसभा चुनावों पर नज़र डालते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं किसको कितना वोट मिला। 1991 में छविराम अरगल जो बीजेपी कैंडिडेट होते हैं उन्हें वोट मिलते हैं 99,482। कांग्रेस के बारेलाल जाटव को वोट मिलते हैं 116,227 और वोट के हिसाब से वोट प्रतिशत है 35.89 जो सर्वाधिक है, और बारेलाल जाटव कांग्रेस के 1991 में विजयी रहते हैं। वहीं बात करें बीएसपी के डॉक्टर पीपी चौधरी जी की तो उन्हें पुनः वोट मिलते हैं 67,406 और जो वोट शेयर है, वोट प्रतिशत है बसपा का मुरैना लोकसभा सीट में वो है 20.82% यानी 20.82। तो देखा होगा आपने दोस्तों, ये लगातार दूसरा चुनाव बसपा के नज़रिए से है और जो दूसरे चुनाव में भी बसपा को अच्छे खासे वोट मिले हैं, जहाँ से बसपा के एक कट्टर कार्यकर्ता, जो जमीन स्तर के कार्यकर्ता या नेता कह सकते हैं, डॉक्टर पीपी चौधरी जी चुनाव लड़े लगातार, दूसरी बार भी उन्हें 67,000 के समथिंग वोट मिले। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट चुनाव की। तो दोस्तों, इसके आगे जो चुनाव होता है 1996 के आम चुनाव होते हैं। 1996 के चुनाव में अशोक अरगल बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं और उन्हें टोटल वोट मिलते हैं 172,675 और वोट प्रतिशत है उनका बीजेपी का 42.58% वोट पाकर के बीजेपी यहां पर विनर रहती है 1996 के चुनाव में। वहीं बात करें बसपा की, बसपा के डॉक्टर पीपी चौधरी को वोट मिलते हैं 134,696। जी हाँ दोस्तों, 134,696 वोट लेकर के बसपा के डॉक्टर पीपी चौधरी दूसरे नंबर पर रहते हैं और पीपी चौधरी को वोट मिलता है 33.21।
वहीं बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस यहाँ से तीसरे नंबर पर खिसक गई है और कांग्रेस को वोट मिलते हैं, कांग्रेस से प्रत्याशी रहते हैं बाबूलाल सोलंकी जो कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं, उन्हें वोट मिलते हैं 59,155। और यहाँ पर कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस के बारेलाल को 14.59 वोट प्रतिशत मिलते हैं, केवल 14.59% ही वोट कांग्रेस को मिलते हैं और तीसरे नंबर पर यहाँ से कांग्रेस खिसक जाती है। और यहीं से 1996 के चुनाव से लगातार कांग्रेस का हिसाब चंबल क्षेत्र में बिगड़ता जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात हम क्यों कर रहे हैं या आप आगे देखोगे तो आप ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि कांग्रेस की स्थिति और बसपा की स्थिति में क्या अंतर है। जी हाँ, कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे करके बीएसपी 1996 के चुनाव में दूसरे नंबर पर आ गई है। डॉक्टर पीपी चौधरी जी बसपा से सेकंड नंबर पर रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट चुनाव की, 1998 के आम चुनाव की। जी हाँ दोस्तों, तो आइए देखते हैं 1998 में बीजेपी के अशोक अग्रवाल को वोट मिलते हैं 2,77,499, जो वोट प्रतिशत के हिसाब से हैं तो उनका वोट प्रतिशत है बीजेपी का 43.44। जी हाँ दोस्तों, टोटल वोट प्रतिशत है 43.44। और वहीं सेकंड नंबर पर अगर बात की जाए तो सेकंड नंबर पर बसपा के पुनः डॉक्टर पीपी चौधरी कड़ी टक्कर बीजेपी को देते हैं और यहाँ पर भी कांग्रेस को उन्होंने तीसरे नंबर पर छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बसपा के डॉक्टर पीपी चौधरी को वोट मिलते हैं 2,09,378 और जो वोट शेयर है वो है 32.77। जी हाँ दोस्तों, जो वोट शेयर है वो है 32.77। तीसरे नंबर पर जो रहती है कांग्रेस रहती है, कांग्रेस से रमेश जी चुनाव लड़ते हैं, उनके वोट हैं 1,38,456 और जो वोट शेयर की बात की जाए कांग्रेस की तो वो है 21.67। तो दोस्तों, आप देख रहे हो कि किस प्रकार से बसपा कड़ी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को कड़ी टक्कर दे रही है। अब बात ये आती है कि इतना टक्कर देने के बाद में भी आखिर फिर बसपा का उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पर एक और फैक्ट है जो सबसे ज़्यादा इस पर चुनाव को प्रभावित कर रहा है, वो फैक्ट ये है कि यहाँ पर जो सीट है मुरैना लोकसभा की, जो सीट है जो अभी तक जो मैंने विश्लेषण में बताया है, अभी तक आरक्षित सीट है। और आप जानते हो कि आरक्षित सीट में सामान्य वर्ग किसे जिताना चाहता है। सामान्य सीट पर जितना मिशनरी नेता को जीतना आसान होता है, उतना आरक्षित सीट पर जीतना नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हो एक सरपंच स्तर का भी चुनाव होता है तो गांव वाले सबसे पहले उसको चुनाव जिताने की कोशिश करते हैं कि उनके कहे अनुसार काम कौन करेगा, दबंगों या सवर्णों की चापलूसी कौन करेगा। यही कारण है कि अभी तक डॉक्टर पीपी चौधरी जी को इस चुनाव तक कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि ये मुरैना लोकसभा सीट आरक्षित सीट थी। और बात की जाए अगर इस टाइम पे अगर मुरैना लोकसभा सीट सामान्य होती तो डॉक्टर पीपी चौधरी को दो बार सांसद बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये आंकड़े बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी वोट्स जो बीजेपी जीती है वो सवर्णों के वोट से जीती है। जहाँ तक है पूरा एससी एसटी ओबीसी का बहुजनों का जो वोट है वो एक तरफा डॉक्टर पीपी चौधरी जी को मिला है। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट चुनाव की बात करते हैं, तो आइए जानते हैं नेक्स्ट चुनाव के बारे में। तो दोस्तों, अगला चुनाव होता है 1999 अशोक अग्रवाल को वोट मिलते हैं 2,10,790 और जो वोट प्रतिशत है बीजेपी का, बीजेपी के प्रत्याशी रहते हैं अशोक अग्रवाल, उन्हें 42.44% वोट मिलता है। वहीं पर कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं गोपाल दास, उन्हें वोट मिलता है 1,48,564 और जो वोट प्रतिशत है, ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो कांग्रेस का वोट प्रतिशत है वो है 29.91, क्योंकि पॉइंट इंक के बाद इंक्यानवे नहीं बोल सकते, समझने के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो जो वोट प्रतिशत है वो है 29.91। वहीं बात की जाए डॉक्टर पीपी चौधरी जी की, तो यहाँ पर बसपा से जो चुनाव लड़ते हैं लगातार तीसरी बार चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर पीपी चौधरी, उन्हें वोट मिला है 1,03,727 और जो वोट शेयर है 20.88 है। तो दोस्तों, यहाँ से थोड़ा डगमगा गई है बसपा का जो वोट बैंक है वो थोड़ा खिसक गया है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, कारण ये आप जो भी हैं जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो इस बात को जानते हैं कि यहाँ पर वोट गिरने का कारण क्या था। वोट गिरने का कारण सिर्फ एक ही था, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस वाले जो बहुजन वोट को, जो दलित वोट को प्रभावित करते हैं, गुमराह करते हैं कि नहीं नहीं चौधरी साहब नहीं जीत पा रहे हैं इसलिए ऐसा करो कि कांग्रेस को जिता दो कांग्रेस को, तो इसी को सोच करके जो दलित वोट है वो थोड़ा एक्सचेंज हुआ।
पीपी चौधरी साहब जीत नहीं रहे हैं तो चलो कांग्रेस में वोट दें, लेकिन नतीजे क्या हुए आपके सामने, फिर भी कांग्रेस नहीं जीत पाई है अभी तक। जहां तक देख रहे हैं कांग्रेस की दुर्दशा होती जा रही है, ठीक है। तो और यही चाल हमेशा स्वर्ण लोग फैलाते हैं, बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग, कि बसपा फाइट में नहीं है, आप कांग्रेस को वोट कीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद चुनाव होता है 2004 में, 2004 की बात करें, 2004 में कौन कौन प्रत्याशी थे, तो 2004 में वही बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं अशोक अर्गल जी, और कांग्रेस से बारेलाल जी, और बीएसपी से डॉक्टर पीपी चौधरी जी। तो यहाँ पर बीजेपी के अशोक अर्गल को टोटल वोट मिलते हैं 261,337, और जो वोट प्रतिशत है वो है 53.61, और बीजेपी यहाँ पर विनर रहती है, यानी अशोक अर्गल जी फिर जीत जाते हैं। और बारेलाल जी रहते हैं दूसरे नंबर पर, उनको वोट मिलता है 114,017, यहाँ पर भी उनका वोट प्रतिशत है कांग्रेस का वो है 23.39। और बात करें डॉक्टर पीपी चौधरी की, तो डॉक्टर पीपी चौधरी जी का वोट बैंक है, जो वोट मिलते हैं वो है 86,137 वोट डॉक्टर पीपी चौधरी को मिलते हैं, और जो वोट शेयर है वो है 17.67 जी। तो दोस्तों आपने ये आंकड़े भी देखे, तो इसमें भी वही फैक्ट काम किया, जो कांग्रेस के जो मनवादी लोग हैं या स्वर्ण जो भी हैं, जो समाज को गुमराह करने वाले, उन्होंने हमेशा ये चाल चली कि बसपा टक्कर में नहीं है और आप कांग्रेस को वोट कीजिए। यही नतीजा रहा कि यहाँ पर भी कुछ लोगों ने मतलब कांग्रेस में वोट ट्रांसफर किया, लेकिन चलो बात मान ली कि बसपा नहीं जीत रही है तो क्या कांग्रेस जीती, कांग्रेस भी यहाँ नहीं जीत रही है। तो हमें भटकने की जरूरत नहीं है, या जो वोटर है बसपा का उसे भटकने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर वोट देना है वहीं पर वोट देना चाहिए। अब बात करते हैं 2009 की, क्योंकि 2009 में अब परिस्थितियाँ अलग हो गई हैं, 2009 के चुनाव में परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं। परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग कैसे है वो मैं बताऊंगा। 2009 में परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं, स्थिति बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसके दो सबसे बड़े फैक्ट हैं। एक तो ये है कि 2006 में डॉक्टर पीपी चौधरी, जो लगातार बसपा से प्रत्याशी रहते थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और दूसरी अहम बात यह है कि जो आरजित सीट थी मुरैना, वो सामान्य प्रवृत्त हो जाती है और इसके बदले में भिंड लोकसभा सीट आरजित हो जाती है। तो यहाँ पर जो 2009 में वहाँ पर बीजेपी से चुनाव लड़ते नरेंद्र सिंह तोमर, और कांग्रेस से लड़ते हैं रामनिवास रावत, और बीएसपी से चुनाव लड़ते हैं बलवीर सिंह डंडौतिया। क्या हैं 2009 के आंकड़े, आइए देखते हैं। 2009 में नरेंद्र सिंह तोमर को मिलते हैं 3,06,47 वोट, और वोट प्रतिशत है जो बीजेपी का है, बीजेपी के प्रत्याशी रहते हैं नरेंद्र सिंह तोमर जो आज केंद्रीय मंत्री हैं, उनका वोट प्रतिशत है 42.30, यानी 42.30। रामनिवास रावत जो कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं, उनको वोट मिलते हैं 1,99,650, और वोट प्रतिशत है 28.09। वो बसपा से जो चुनाव लड़ते हैं उनको वोट मिलते हैं 1,42,073 वोट मिलते हैं, और जो वोट प्रतिशत है लगभग बसपा का 2009 में 20% के लगभग है। अब बात करते हैं 2014 में, 2014 की बात करें तो 2014 में बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं अनु मिश्रा, और उन्हें वोट मिलते हैं 3,75,567, और वोट प्रतिशत है वो लगभग 43% के बराबर है। कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं गोविंद सिंह, जो 1,00,000 उन्हें टोटल वोट मिलते हैं 1,84,253, जो वोट प्रतिशत है बीएसपी का सॉरी कांग्रेस का, जो कांग्रेस का वोट प्रतिशत है वो है 21.57। और वहीं बात करें बसपा की, बसपा से चुनाव लड़ते हैं वृंदावन सिंह सिकरवार, उन्हें वोट मिलते हैं 2,42,000। 2014 के चुनाव के बाद बात करें तो बसपा ने द्वारा से वापसी की है, और द्वारा बसपा सेकंड नंबर पर आ गई है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पे बसपा अभी तक यहाँ पर जीत क्यों नहीं पाई है, क्योंकि यहाँ पर लगातार आप देखा जाए तो बसपा की तमाम विधानसभाओं की सीट निकलती हैं, ऐसी कोई मुरैना में सीट नहीं है जहाँ से बसपा की सीट नहीं निकली हो, चाहे वो अलग अलग चुनाव में हो, अम्बा हो, पुरसा हो, दिमनी हो, मुरैना हो, सवलगढ़ हो, जौरा हो, मतलब हर क्षेत्र से विधानसभा से विधायक निकल के गए हैं बसपा के। तो अभी तक चुनाव क्यों नहीं जीत पाया, लोकसभा में सफलता क्यों नहीं मिली है, ये सबसे बड़ा कारण है। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि कुछ लोगों द्वारा बहुजन वोट बैंक को चुनाव के टाइम पर बहकाया जाता है, उन्हें गलत अफवाहें फैलाई जाती हैं कि बसपा जीत नहीं रही है,
और बसपा कुछ आधार नहीं है, इसलिए आप कांग्रेस को वोट दें। लेकिन अब आपने सभी ये आंकड़े देख लिए, सभी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि बसपा की स्थिति क्या रही है, कांग्रेस स्थिति क्या रही है। और जो लोग ऐसी अफवाहों को देखकर भाग जाते हैं, उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, ताकि मुरैना का हर एक वोटर इसको देख करके, अपने आंकड़ों को देख करके वोट करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसको वोट करे, लेकिन जो हकीकत है वो उसके हिसाब से वोट करे, क्योंकि अफवाह चुनाव के टाइम पे ज़्यादा आती हैं। अब बात करते हैं मुरैना का नाम। हाँ दोस्तों, जो टाइटल में आपने देखा होगा कि मुरैना का नाम इतना, मतलब मुरैना के लोग दबंगई क्यों होते हैं, मुरैना के लोग डरते क्यों नहीं हैं, मुरैना के लोग मतलब कहीं पर भी किसी बात को लेकर क्यों खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका एक कारण है कि वहाँ का जो बहुजन है, वहाँ का जो दलित वर्ग है वो बिल्कुल जागरूक है। जो वहाँ का जो बहुजन है, दलित है, वो बहुत ही जागरूक है, और जागरूक करने का भी एक कारण है, क्योंकि जिस प्रकार से आरजीत सीट में डॉक्टर पीपी चौधरी लगातार 2-3 बार सेकेंड नंबर पर रहे, उसका भी एक कारण है कि वो क्यों रहे दूसरे नंबर पर, वो भी मैं बताऊंगा। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ का जो बीएसपी का जो कैडर था बहुत मजबूत था। बात करें मुरैना में डॉक्टर पीपी चौधरी जी, सवरण की बात करें तो उस टाइम पे कुमारी ममता मौर्य, और बात करें विजयपुर साइड सुपर साइड की तो वहाँ पे हरगोविंद जौहरी जी, और कैलाश की बात करें तो एडवोकेट बैजनाथ कुशवा। तो ये मेन फैक्ट थे जो इनको लोग चाहते थे, इनके भाषण सुनने के लिए जनता इंतजार करती थी, घंटों स्टेज के सामने खड़ी रहती थी इनके नेताओं के इंतजार में कि वो आएँ और अपना भाषण दें। वो आज भी इन नेताओं के भाषण मशहूर हैं, बसरते बस तस्वीर कुछ बदल गई है, क्योंकि बात करें एडवोकेट बैजनाथ कुशवाहा की तो वो आज कांग्रेस में हैं और कांग्रेस के टिकट से सवरगढ़ से विधायक हैं। बात करें अरविंद जौहरी की तो वो भी आज कांग्रेस में हैं। बात करें ममता मौर्य की तो उनकी शादी हो चुकी है, अब वो एडवोकेट ममता मौर्य हैं, तो वो अपनी सेवाएँ मुरैना कोर्ट में दे रही हैं। और इसके अलावा और भी फैक्ट हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जो इतने नेता थे, चार चार जो दिग्गज नेता मुरैना लोकसभा क्षेत्र में हुआ करते थे, एक बार पुनः याद करा दूं, डॉक्टर पीपी चौधरी, एडवोकेट बैजनाथ कुशवाहा, अरविंद जौहरी और ममता मौर्य, तो ये जब नेता थे तब बीएसपी बिल्कुल मजबूत थी और उसके युवाओं में बहुत जोश था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, क्या ये कमी बसपा पूरी कर सकती है? इन चारों का विकल्प आपके पास है? क्योंकि अगर इन चारों लोगों का विकल्प बसपा ने ले लिया तो बसपा को मुरैना लोकसभा से कोई नहीं हरा सकता। आपको ये खबर कैसी लगी? वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप भी अपने लोकसभा क्षेत्र का विश्लेषण चाहते हो तो कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।